विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर दिनांक 4 जून 2022 को आयोजित निर्माणी भंडारा में निर्माणी परिवार के द्वारा पीके मेश्राम महाप्रबंधक महोदय के कुशल मार्गदर्शन, आर पी पंत अपर महाप्रबंधक महोदय के सतत निर्देशन एवं यतीश कुमार महाप्रबंधक, सी डी सरन एवं जसवीर सिंह सहायक कार्यप्रबंधक के संयोजन में एक भव्य साइकिल रैली और कल्चरल प्रोग्राम आयोजन किया गया तो जागतिक पर्यावरण दिन वृक्षारोपण कर मनाया गया। इस समय में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आइए देखते हैं। भंडारा जिले के आयुध निर्माणी में पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में साइकिल रैली निकाली गई तो बाद में कल्चरल प्रोग्राम भी लिया गया। वहां दिखाया गया बच्चों ने डांस के माध्यम से पेड़ों को काटने से क्या नुकसान होते हैं, उसे कैसे बचाना चाहिए वहां पर दिखाया गया। आयुध निर्माणी के महाप्रबंधक पी के मेश्राम ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की। साइकिल रैली निर्माण स्टेट के चेक पोस्ट 1 से सावरी कोंडीग्राम होते हुए एमपी हॉल में संपन्न हुई। रैली के उपरांत निर्माणी परिवार के बच्चों द्वारा पर्यावरण विषयक विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर कुमारी निहारिका सोनी, समृद्धि राजपूत, मास्टर अपूर्व भार्गव एवं अक्षत भार्गव ने पर्यावरण संरक्षण पर कविता पाठ एवं श्रीमती मीनू वर्मा तथा रेणु कर्माकर के निर्देशन में छोटे छोटे बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण पर नृत्य नाटिकाएं प्रस्तुत की। महाप्रबंधक पी के मेश्राम ने अपने उद्बोधन में वृक्षों के महत्व और प्रकृति के संरक्षण के महत्व की व्याख्या की तथा रैली तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले सभी बच्चों की सराहना की। उन सभी ने विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में निर्माण स्टेट में प्रातः 6 बजे से वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक पी के मेश्राम, आर पी पंत अपर महाप्रबंधक, यतीश कुमार उप महाप्रबंधक, सी डी सरन एवं जसवीर सिंह सहायक कार्य प्रबंधक द्वय सहित निर्माण के अनेक अधिकारी गणों, विभिन्न एसोसिएशनों एवं यूनियन के प्रतिनिधियों ने वृक्षारोपण किया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस होता है और इसका उद्देश्य यही है कि एक अवेयरनेस लोगों में आना चाहिए और जो प्रदूषण हो रहा है उससे हम लोग थोड़ा सा सचेत रहें। हम आयुध निर्माणी भंडारे के परिसर में जो रहते हैं बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा स्टेट पूरा हरा भरा है और आप सब सभी के सहयोग से हमारा स्टेट जो है काफ़ी साफ सुथरा रहता है और कोशिश हमेशा रहती है कि हम कभी प्रदूषण ना फैलने दें, चाहे फिर वो गार्बेज को लेकर हो या कुछ सैनिटाइजर को लेकर हो। लेकिन जैसे हम लोग अपने स्टेट से थोड़ा दूर निकल जाते हैं 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, हमको एहसास होता है कि प्रदूषण क्या होता है। भंडारा से बीसीएन न्यूज के लिए सुरेंद्र चिंदलोरे की ये रिपोर्ट।